साल 2020 सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था और नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से 24 और 25 मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी। जी हाँ, ये सुनने के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सब लोगों के दिमाग में क्या चला होगा, बट ये साल इतना भी बुरा नहीं रहा। मैं स्पेशली यहाँ पे बात करने वाला हूँ मेरे चैनल के लिए, आपको दिखाऊंगा कैसे उस टाइम पीरियड में क्या था मेरा सेटअप, और वो मैं आपको चेक कराऊंगा, और कैसे उसको फॉलो अप करते हुए मैंने 500 वीडियोस अपलोड की, 1 मिलियन पूरे चैनल के व्यूज को पार किया, और ये आपको देख करके भी मालूम पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या चलता था जब मैं आप लोगों को बोर्ड यूज करके पढ़ा रहा होता था या लैपटॉप यूज करके पढ़ा रहा होता था। तो यहां पे इस वीडियो के अंदर नेगेटिविटी को ना रख के मैं सारी की सारी आपको पॉजिटिविटी दिखाऊंगा और पॉजिटिव चीजों को दिखाने वाला हूं। इस साल चैनल को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। इससे पहले कि मैं आपको सेटअप दिखाऊं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने यहां पे रखना चाहूंगा। लॉकडाउन से पहले यानी कि 23 मार्च तक सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था, आराम से जिस तरीके से अर्निंग हो रही थी वो भी ठीक था और हर एक चीज बहुत बढ़िया जा रहा था। मार्च का जो महीना था वो काफी ज्यादा टफ साबित हुआ है सबके लिए। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम पहले 1000 रुपए कमा रहे थे तो वो कम होकर 1/4 पे आकर के 250 रुपीज बन गया मार्च के महीने में। रिकवरी में पूरा अप्रैल चला गया और बाद में उल्टा वो बढ़ गया। लेकिन एक चैनल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है 2020 में लॉकडाउन के बाद, खास करके अप्रैल 1 तारीख को मेरे चैनल को यहां पे बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी ने उसको सपोर्ट किया। लॉकडाउन आ गया और मैं उससे पहले प्लान ही कर रहा था कि मुझे आप लोगों के लिए एक व्हाइट बोर्ड खरीद लेना चाहिए, कुछ लाइट्स लगवा लेने चाहिए, अच्छा माइक हो मेरे पास, कुछ सेटअप हो मेरे पास, बट कुछ भी अरेंज नहीं किया था और लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई। बट इसमें यह नहीं था कि मैं वहां पर रुक जाता, फिक्स था कि आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना है, कुछ ना कुछ डेली प्रोवाइड करना है। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे पिछली कुछ इमेजेस अगर आप चेक करो तो यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं उसके जस्ट अपोजिट यहां पे 2 या 3 हमारे पास विंडोज हैं यानी कि खिड़कियां हैं, उसके ऊपर इवन कर्टन्स जो पर्दे होते हैं उस साइज के वो भी नहीं थे। अब घर का तो निकाल के नहीं लगा सकते ना, या किसी भी कपड़े को मैं जबरदस्ती लगा दूंगा तो उससे क्या होगा, रेड ब्लू ग्रीन मेरे फेस के ऊपर लाइट्स आती। सो उसके लिए ऐसा नहीं था कि मैं उसको स्टॉप कर देता, एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होके बोर्ड के ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट मारता था। तो कार्डबोर्ड्स जिसे हम कार्टून्स कहते हैं, जो हमारे घर में हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ मिल जाते हैं, उसको लगा करके मैंने अरेंज किया, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। वो पर्दा जो है कर्टन है आज भी वैसा ही फोल्डेड है वहां पे, बट मैंने उसे अरेंज किया किसी तरीके से। मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं होता था जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, जो हमारे स्टूल्स होते हैं उस स्टूल के बीच में सेल्फी स्टिक टूटी फूटी सी जिसको मैंने फेविक्विक से चिपकाया हुआ था उसके ऊपर रख करके मैंने इनिशियल स्टेज पे शूट करना शुरू किया। और जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ सबसे पहले मैंने एक ट्राईपॉड बाय किया, और उससे भी पहले जब मैं लाइव स्ट्रीम करता था तो फोन को मैं अपने हाथों में रखता था। मोटिव क्लियर था, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से शूट कर रहे हो, उनको टू द पॉइंट आउटपुट चाहिए होता है एट द एंड। मेरा फोकस भी उसी पे था, यूनिक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए लोगों को, और वही मैंने डिलीवर करना शुरू किया। सो सेटअप मेरा बहुत ज्यादा बुरा रहा है। ट्राईपॉड की जो लेंथ थी, जो सेल्फी स्टिक की लेंथ थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो मैंने एक चारपाई जो घर में अरेंज था बड़े आराम से उसके ऊपर स्टूल रख के उसके ऊपर सेल्फी स्टिक रखा और आप लोगों तक एक कंटेंट मैंने यहां पर पहुंचाया, जो कि काफी दिखने में तो बहुत बेकार लगता था बट स्टिल बेटर था। मेरे पास लाइट्स नहीं थे अवेलेबल, मार्केट में जाना अलाउड नहीं था, चीजें मिल नहीं रही थी, तो नेचुरल जो लाइट्स आ रही थी मेरे पास, क्योंकि सामने तो मैंने आपको बताया मैंने उसको कवर अप कर दिया, तो जो भी आ रहा था सन के थ्रू सूरज के थ्रू मैंने उसके अंदर रिकॉर्ड करना शुरू किया। इवन जहां पर ये जो मेरा सेटअप है उसके ऊपर फैन भी नहीं था और ना ही आज है, तो गर्मियों में हालत खराब हो जाती थी, बट स्टिल किसी तरीके से मैंने उसको आप लोगों तक डिलीवर किया। जैसे ही लॉकडाउन खुला मैंने एक माइक बाय किया, और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो मैंने वो बाय किया जो कि हमारा Redmi Note 9 Pro है। सो धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करता मैं चला गया और काफी ज्यादा इसने फायदा दिया मुझे। ये जो पूरा साल था स्पेशली लॉकडाउन के बाद इसने ग्रोथ दिया, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मेरा चैनल उछल गया और इतना और अचानक से मेरे 18,000 सब्सक्राइबर अब पूरे होने लगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगी है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, बैकग्राउंड में कैसे लोकेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो पहुंचाता हूं, बट स्टिल काफी अच्छा रहा है ये। इस साल 1 मिलियन व्यूज हमने पूरे किए चैनल में, जिसमें से बहुत सारे वीडियोस ऐसे थे जो 1-2 दिनों के अंदर 100 के पूरे कर लेंगे अपने व्यूज, यानी कि 1 लाख व्यूज को पार कर जाएंगे।
एक मिलियन व्यूज पूरे चैनल के इस साल हमने पूरे किए, जिसमें से 906K 906K 9,06,000 वो इसी साल हमने पूरे किए हैं। चैनल के ऊपर 500 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें से 416 यानी कि 416 वीडियो इसी साल अपलोड की गई है, और इससे पहले के 1.5-2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 84 वीडियोस थी, क्योंकि पहले मैं रेगुलर काम करता भी नहीं था, बस ऐसे ही साइड बाय साइड रखा हुआ था। 2019 में 1.5 लाख व्यूज आए थे और सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 2,500 यानी कि 2.5K आए थे, जो कि बढ़ करके इस साल हमारे व्यूज जो हो गए 1 मिलियन पार कर गए और 9 लाख व्यूज आए हैं इस साल, और 13,500 सब्सक्राइबर इस साल गेन किए हैं, जो कि एक ह्यूज ग्रोथ आप कह सकते हो। जब साल की शुरुआत हुई तो शुरुआत की जो मेरी वीडियो थी वो थी Vivo V17, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि मैंने कैसे YouTube की अर्निंग से वो बाय किया, जिसके ऊपर व्यूज भले ही कम रहे हो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा था। जनवरी में सिर्फ और सिर्फ 36,000 व्यू मिले और फरवरी में ये और कम होकर 35,000 बन गया। मार्च में लॉकडाउन से पहले पहले मेरे मार्च के महीने में 40,000 व्यू मिल गए, और जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई ज्यादातर लोगों का क्या हुआ, यहाँ पे वो YouTube पे टाइम बिताने लगे, पढ़ने लगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, और इस टाइम पीरियड पे चैनल को एक बहुत ज्यादा ग्रोथ मिल गई। कहाँ 40,000 व्यूज आ रहे थे, कहाँ वो 1,40,000 पहुंच गया। बहुत बड़ा बूम पीरियड था ये एक चैनल के लिए। आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए और किसी तरीके से डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने संडेज को लाइव स्ट्रीम करना भी शुरू किया। एक साल में 52 यानी कि 52 संडेज होते हैं, मैंने 52 लाइव स्ट्रीम भी कंप्लीट किए। खैर 2 महीने पहले मैंने उसको स्टॉप कर दिया, बट हर संडे को 2-2.5 घंटे आप लोगों के लिए मैंने लाइव आना शुरू किया। मेरी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता था इस साल में उतना मैंने अपनी तरफ से किया। ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है, बहुत सारे वीडियो ऐसे भी हैं जो 1-2 दिनों के अंदर 1-1 लाख व्यू पार कर जाएंगे, जो मेरे पहले इंग्लिश के वीडियोस हुआ करते थे, इंग्लिश में बनाता था मैं उसको। बट अभी की अगर हम बात करें तो मेरी गूगल वाली सीरीज बहुत ज्यादा चली है इस साल में, 6-7 महीने हुए हैं। व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन बहुत ज्यादा चला है। जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट चली है मेरी इंडिविजुअल वीडियोस जो थी, वेब डेवलपर वर्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपर, ASP.NET, PHP, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा चला है। पूरी PHP की सीरीज भी बहुत ज्यादा चली है, 20,000-30,000 वीडियोस के ऊपर व्यूज आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है चैनल को। जब ये डिसाइड किया कि अब बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए तो एक्चुअली बोर्ड भी नहीं था। बोर्ड खरीद तो पहले लिया लेकिन लॉकडाउन आ गया, अब इसके स्टैंड को बनाने के लिए भी शॉप्स ओपन नहीं थे, तो मेरे पास वो भी अवेलेबल नहीं था। स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसके स्टैंड का, जो इंडियन जुगाड़ हम कहते हैं वो कैसे किया। अगर आप पीछे देखोगे तो ये कुछ लगा हुआ है, मैं आपके साथ इसकी इमेज शेयर करूंगा कैसे मैंने इसको टिकाया किसी तरीके से, और जो पुराने मार्कर्स मेरे पास पड़े हुए थे कैसे उसको यूज करके किसी भी तरीके से अरेंज करके इसको मैंने लगाया, और आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना बस एक मकसद था कि किसी तरीके से भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दी जाए बस। और बहुत ही अच्छी बात एक ये रही कि किसी ने भी आज तक ये कमेंट नहीं किया कि आपका सेटअप बहुत खराब है, ये है वो है, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस किया। ये बहुत ही एक अच्छी बात रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी नजर नहीं आया होगा, बहुतों को नजर आया होगा। वैसे तो मेरे लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने अपने सेटअप को थोड़ा बहुत दिखाया था साइड से फोल्ड करके, लेकिन वो पूरा सेटअप आप नहीं कह सकते हो। सेटअप के नाम पे जो इमेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे साथ वही है। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro है, Redmi Note 8 है, एक माइक है, 2 ट्राइपॉड्स हैं, कोई लाइट्स नहीं है मेरे पास, और कंप्यूटर्स हैं। हाँ, कंप्यूटर्स की क्वांटिटी ज्यादा है, 3-4 है मेरे पास, एडिटिंग के लिए अलग, रेंडरिंग के लिए अलग, फोटोशॉप के लिए अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैंने यूट्यूब के ही अर्निंग से खरीद लिया और वो इसी साल खरीद लिया। नो, वो धीरे धीरे करके पिछले कुछ सालों की खरीदी हुई रखी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने सारा कुछ यहीं से खरीद लिया, जिसने मेरे को लॉकडाउन में काफी ज्यादा हेल्प किया। रूम टूर जिसके अंदर आप मेरी नॉर्मल वीडियोस देखते हो, उसका तो मैं किसी दिन थोड़ा रूम को ठीक ठाक करके फिर साफ सुथरा करके वीडियो दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको सामने वाली फोटो दिखाई कि अपोजिट में मेरे कैसा दिखता है, यहाँ साइड में क्या रखा हुआ है, वहां से इधर का क्या लुक आता है, इसके कैसे अरेंजमेंट्स है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ट्राइपॉड मेरा पहले क्या हुआ करता था, बाद में किसके साथ रिप्लेस किया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ग्रोथ जितनी होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर चैनल्स आई नो उतना नहीं हो पाया है, बट मेरे पास करंटली सेटअप भी नहीं है उतना। सून धीरे धीरे करके मैं उसको इंप्रूव करते जा रहा हूं। जो YouTube की अर्निंग हो रही है मैं वही YouTube के ऊपर लगा रहा हूं, अपनी जेब से आज तक मैंने यहां पे 1 रुपए नहीं लगाया है, सिर्फ YouTube की ही अर्निंग से मैंने चीजें बाय की है। बहुत जल्दी और भी चीजें की जाएंगी, और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, आप तक और अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स लेकर के मैं आता रहूंगा।
आईटी, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, बहुत कुछ मैंने कराया और भी बहुत कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगा, ताकि एटलीस्ट आपको बहुत सारे चैनल्स पे ना जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश रहेगी नए साल के साथ साथ यहाँ पे आपको नए नए कंटेंट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँ और बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँ। तो कुछ इस तरीके से गया है ये पूरा का पूरा साल, बहुत अच्छा साबित हुआ। आई नो कोविड का टाइम था, घर से बाहर नहीं निकल पाए, बहुत लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेकार हुई हैं, बट काफ़ी लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग भी रहा है और करियर चेंजिंग भी रहा है, खास करके वो जो ऑनलाइन काम कर रहे थे बहुत पहले। आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा, अपना चैनल स्टार्ट करें। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग की बात करूंगा, अपना काम करें, सारा आपके कंट्रोल में रहेगा, डेटा एंट्री, ऑनलाइन वर्क, इन सब में ना फंसे, काम करा लेंगे, पैसे नहीं मिलेगा, एंट्री के नाम पे पैसे ले लेंगे। सो ब्लॉगिंग या यूट्यूब आप भी स्टार्ट करें, नए साल के साथ अच्छी खासी इनकम आप कर लोगे साइड बाय साइड, और एक डेढ़ साल काम करने के बाद फुल टाइम करना शुरू कर दोगे। तो ये मेरा ओपिनियन रहेगा आप सभी के साथ, क्योंकि लॉकडाउन में और कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन नाम करने वालों को उतना फर्क नहीं पड़ा, बहुत इजीली मैनेजेबल था। तो यही कुछ चीजें थी जो मैंने आपको दिखाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और बताना आप कितने पुराने सब्सक्राइबर हो मेरे और आपको कुछ सीखने को मिला क्या, चाहे एक लाइन सीखने को मिल गई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अब नए साल पे मिलूंगा आपसे, मैं नए सेटअप के साथ मिलूंगा, सेटअप की पूरी वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा अपडेटेड वाली। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स अब तक सपोर्ट करने के लिए।